लंबा इंतजार होकर जाना है मंत्री बनने क्या लग रहा है? सारी चीजें बता दीजिए। और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। आज छठवें विधानसभा का ये पहला सत्र का पहला दिन था और इस पहले दिवस में हमारे जितने भी नवनिर्वाचित विधायकगण थे सबको हमारे प्रोटेम स्पीकर आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी शपथ दिलवाए, सबने शपथ लिया और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए अकेले डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था। हमारे विपक्ष के लोग भी सहमति दिए थे और सर्वसहमति से विधानसभा अध्यक्ष का भी चुनाव हो गया। आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुने गए। तो इस तरह से आज का ये पहला दिन बड़ा ही अच्छा रहा, सुखद रहा। कल से आगे जो है किस तरह की सत्ता पक्ष की तैयारी है, किस तरह से आगे चलेगा? क्योंकि ये छठवां विधानसभा का पहला सत्र है और ये परंपरा है कि महामहिम गवर्नर साहब का एड्रेस होता है, उनका उद्बोधन होता है। वो कल महामहिम गवर्नर साहब का उद्बोधन भी होगा और उसके बाद एक अनुपूरक बजट प्रस्तुत होगा। क्योंकि 18 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत पक्का का मकान देना है और 2 साल का धान का बोनस भी किसानों को देना है। तो इसके लिए आवश्यक हो रहा है कि अनुपूरक बजट पास करें। तो अनुपूरक बजट भी कल प्रस्तुत होगा और अगले दिन 21 को दोनों पर चर्चा होगी, गवर्नर साहब के अभिभाषण पर भी चर्चा होगी और अनुपूरक बजट पर भी चर्चा होगी। लंबा इंतजार होते जाना है मंत्री, क्या लग रहा है? सारी चीजें बता दीजिए। और ज्यादा लंबा इंतजार नहीं होगा, कभी भी हो सकता है। नहीं, अभी तो नहीं जा रहे।